ओए छोड़ ना यार, छोड़ 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 छोड़। ओ है जी, वहाँ पे नंगा पर्वत रोड तो आज पूरा जम चुका है, आप देख सकते हो क्या हो गया है इधर। ये अपनी जगह पे अपना मकाम रखता है स्विट्जरलैंड, इसके सामने कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे से हैं। सुबह के 5:45 हो चुके हैं और मैं निकल रहा हूँ गुरेज के लिए। बहुत टाइम से ना मैं सोच रहा था कि गुरेज जाऊँ, अभी तक सीज़न में कभी गया नहीं हूँ, तो आज सोचा कि जाते हैं, लेकिन इस वक्त जाते हैं मतलब सुबह मॉर्निंग में निकलते हैं। तो मॉर्निंग के व्यूज़ जो है ना राजदान वगैरह के, वो आपसे शेयर कर लेंगे, साथ में जो है हम मज़ेदार राइड कर लेंगे। वेलकम बैक, सुबह के बराबर 6 बज चुके हैं और बहुत टाइम के बाद ना मैं आज अपने टाइम यानी कि जो टाइम मैं फिक्स करता हूँ ना निकलने के लिए, उस पे निकल रहा हूँ। पहले पहले जब मैं राइड्स पे निकलता था तो इसी तरह अपने टाइम पे निकलता था। वो आप देख सकते हैं सनराइज़ होने को है, मज़ा आएगा आज। आज हम पहली बार KTM के साथ ना गुरेज जा रहे हैं और सीज़न का पहला ट्रिप है। सनराइज़ होना शुरू हो गया है, डायरेक्ट सनलाइट ना अभी, ओए देखा कुत्ता, डायरेक्ट सनलाइट जो है ना अभी आंखों पे पड़ रही है। ओह भाई इतना डस्ट सुबह सुबह। भाई चेक करें जी व्यूज को, खूबसूरत। ये कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं ना जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। राइडर को कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या मजबूरी थी सुबह निकलने की, क्यों सुबह निकलते हो। तो ये जो सुबह निकलने की या किसी भी वक्त निकलने की ना फीलिंग होती है ना, ये सिर्फ राइडर ही समझ सकता है। मैं अपनी बात बताऊँ, मेरी ईद अभी चल रही है, जब मैं मोटरसाइकिल पर होता हूँ मेरी ईद तो तभी होती है। हम लोग जी त्रागबल पहुंच गए हैं। आगे पे ना एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे हमें पहली एंट्री करनी है। लास्ट टाइम जब हम ये कुत्ता बार, ये पिछली बार, ओए छोड़ ना यार, छोड़ 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 छोड़, ये पिछली बार भी चल आ जा चल। शेर के साथ दौड़ लगा रहा है। लास्ट टाइम जब मैं आया था राजदान के लिए तब भी इस कुत्ते ने मुझ पे हमला किया था, आज फिर किया, पता नहीं इसको मेरे साथ क्या एलर्जी है। आज तो दो आ रहे थे वैसे तो। कैमरा को करते हैं बंद क्योंकि आगे हमें एंट्री करनी है। 7:45 का टाइम हो चुका है और हमारी पहली एंट्री हो चुकी है और राइड करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। चाचू की चाय पी के ही आगे निकलते हैं, नॉन स्टॉप फिर चलेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, इसको रखते हैं थोड़ा सा धूप में। सुबह के 6:50 हो चुके हैं और अभी हम चाचू की दुकान पे पहुंच गए हैं, चाय पीते हैं फटाफट से और उसके बाद जो है हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ। चलें जी, हमारी चाय आ चुकी है, वहाँ बैठ के पीते हैं। ज़बरदस्त है सुबह सुबह चाय की चुस्की, वो भी त्रागबल में ऐसी खूबसूरत जगह पे, क्या ही कहना। लगता है इसका माउंट ना लूज हो गया है, ये आप देख सकते हैं, इसको देखना पड़ेगा भाई। अभी राजदान की ना चढ़ाई चढ़नी शुरू हो गई है, आगे एक सबसे गंदा पैच जो है वो हमें देखने को मिलेगा, जिसको ना मैं क्रॉस करने में अक्सर बोर हो जाता हूँ। यह है जी वो पैच जिसका मैं जिक्र कर रहा था। देखो डस्ट भी है, ग्रेवल भी है,
आगे मिट्टी भी है, क्रॉस तो करना पड़ेगा। उफ 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 उफ, उफ, उफ। अरे यहाँ आऊं ऐसे व्यूज ना दिखाऊं तो क्या। चेक करें जी सीन्स कितने अमेजिंग ब्यूटीफुल माशाल्लाह। हा हा, ये है सारा हरमुख रेंज और वो बड़ा वाला पीक जो है ना वो है हरमुख, और स्नो कवर्ड लाइट क्या इफेक्ट्स हैं। और ये लेयर्स आप देख सकते हैं, चेक करें। और ये है जी अपना बांडीपोरा यहाँ से। ओह ब्यूटीफुल अमेजिंग, चलते हैं जी आगे। बिस्मिल्लाह। ये देखो जी यहाँ से एंटर होते ही सीन्स ना चेंज हो रहे हैं। यहाँ मुझे लगता है ताज़ा बर्फ हो गई है यहाँ से। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो आपने देखा होगा कि कितनी बर्फ़ यहाँ पे थी, आज तो वो बहुत सारी बर्फ ना उसमें से पिघल चुकी है और हल्की फुल्की अभी साइड्स में है। व्यूज़ देखें ज़रा, अल्टीमेट व्यूज़ आ रहे हैं, खूबसूरत माशाल्लाह, अल्लाह अकबर। यहाँ इतनी अच्छी खासी बर्फ़ है भाई यहाँ पे, वाओ ब्यूटीफुल अमेजिंग अमेजिंग। तो जी राजस्थान पास 4 किलोमीटर और कंजल 128, दावर अभी 44 है, बाकी से हमें मतलब नहीं है। वो जब मैं विंटर में आया था ना, जब यहाँ पे बर्फ़ अच्छी खासी थी, तब मैंने कहा था कि यहाँ पे ना इतने अच्छे अमेजिंग व्यूज़ आते हैं, और बर्फ़ की वजह से वो व्यूज़ हमने एंजॉय नहीं किए उस वक्त। आज आप एंजॉय करें। और इसी के साथ ना टाइल्स वाला सेक्शन जो है वो शुरू हो गया है माशाल्लाह। आई हाय हाय, ये मज़े हैं जी राजस्थान पास के। और मॉर्निंग के ना व्यूज़ का क्या कहना। सुबह के 7:30 हो चुके हैं और अभी मैं हूँ राजस्थान पास पे। वैसे मैंने सोचा था कि मैं रास्ते में ना कोई जो है एक्स्ट्रा वक्त नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे कम वक्त में आज गुरेज को करना था, लेकिन यहाँ पहुँच के ना इतने खूबसूरत सीन्स आए और मुझसे जो है रहा नहीं गया कि मैं ऐसे सीन्स को ना स्किप कर लूँ। आप चेक कर सकते हैं कितने ब्यूटीफुल और अमेजिंग व्यूज़ आ रहे हैं। वो है जी हरमुख रेंज पूरा, और वो वहाँ पर है हरमुख टॉप, और यहाँ के व्यूज़ देखें ज़रा अमेजिंग खूबसूरत। तो निकलते हैं फटाफट यहाँ से, क्योंकि आज हमें रास्ते में ना उतना वक्त ज़ाया नहीं करना है। चलो जी हमने दूसरी एंट्री करवा ली राजस्थान पास पे, लेकिन जो ही हम ना पास को क्रॉस किए, एंट्री ख़त्म की, इतनी सर्दी मुझे फील हो रही है कहने की बात ही नहीं है बिल्कुल। जब मैंने अपना वाइज़र ओपन किया तो मुझे लगा कि मैं विंटर में यहाँ हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि आप देख सकते हो कि बर्फ़ यहाँ अच्छी खासी है, ठंड हो सकती है, लेकिन यार ये तो ज़्यादा कमाल हो गया। और टाइल्स पे भी ना ग्रिप उतना टायर का नहीं बन रहा, रोड तो आज पूरा जम चुका है। आप देख सकते हो यहाँ जहाँ जहाँ पे भी ये पानी है सारा जम चुका है। ओए नहीं, बिल्कुल आराम से चलना पड़ेगा फहीम। ओ है जी वहाँ पे नंगा पर्वत हल्का सा दिख रहा है। और इसी के साथ ना आज हमारे केटीएम का सफ़र जो है गुरेज की तरफ शुरू हो गया। राजस्थान तक तो हम लास्ट टाइम आए थे। यहाँ पे एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि राजस्थान का जो हाइट है ना वो लेस्टी के बिल्कुल बराबर है। मतलब जितना राजस्थान का ऑल्टीट्यूड है उतना लेस्टी का भी ऑल्टीट्यूड है। और यहाँ पे बर्फ़ गिरती है, वहाँ बर्फ़ नहीं गिरती है, यही फ़र्क है। मेरा राइट हैंड ना सर्दी की वजह से सुन पड़ गया, अच्छी खासी सर्दी है भाई। जब ना यहाँ राजस्थान पास पे हवाएं चलती हो ना तब यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और इस वक्त अच्छी खासी हवाएं जो है वो चल रही है। जब ये बर्फ़ वगैरह हटेगी ना तब यहाँ पे ना नोमैड्स का अच्छा खासा रश होगा, क्योंकि वो फिर भेड़ बकरियाँ यहाँ इस साइड में ना चराने के लिए लाते हैं। अभी तो अच्छी खासी बर्फ़ है, लास्ट ईयर वो आज के टाइम यहाँ आ चुके थे। आपको पता है कि गुरेज़ में ना अच्छी खासी गर्मी होती है दिन भर, मतलब बांडीपोरा या श्रीनगर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन सुबह शाम अच्छी खासी ठंड होती है। मेरे दादाजी के वालिद साहब जो थे वो बहुत कमाल के ना घुड़सवार थे,
वो अपने टाइम में गुरेज आते थे घोड़े पे, 2.5 घंटे का टाइम लगता था उनको भांडीपोरा से गुरेज तक। सोचो ज़रा वो सवारी कैसी थी और वो सवार कैसा था। आज के टाइम में तो मुझे 2.5 घंटे क्या 3 घंटे में भी नहीं पहुंचता हूं, जबकि आज रोड है, मोटरसाइकिल्स हैं अच्छे खासे पावर वाले, लेकिन फिर भी नहीं हो सकता है। और उसके बाद मेरे दादाजी, उनका उतना राइडिंग वगैरह का शौक़ नहीं था, तो उसके बाद जो है हमारे वालिद साहब, और ये लीन्स वगैरह जो है ना, जो आजकल के लोग यूट्यूब पे देखते हैं या किसी को करते हुए देखते हैं, ये मैंने भाई 90s में देखा है अपने फादर को करते हुए। और ये सेडलिंग वगैरह कब का हमने देख लिया है, उन्हीं से सीख के हम जो है अभी चल रहे हैं। तो अपने वालदेन से बेहतर कोई टीचर हो ही नहीं सकता इंसान का, हर किसी मामले में, हर किसी फील्ड में। छोटा था मैं और मुझे यहाँ आगे टैंक पे बिठाया जाता था, तभी मैं ऑब्ज़र्व करता था कि ये ऐसे ऐसे क्या करते हैं अपने हाथों को, वहीं से मैं इंस्पायर हुआ हूँ। ओए ये आ गया जेड खुशी का ब्रिज, वी आर इन द सर्विस ऑफ नेशन। 8:10 हो चुके हैं और अभी हम पहुंच गए हैं दही नाला, और धूप अच्छी खासी निकल आ चुकी है। हमने ऑलमोस्ट वो वाला एरिया जो है वो क्रॉस कर लिया है जहाँ पे छाँव जो है ज़्यादा मिलती है, तो अभी हमें ऑलमोस्ट सारे पैच पे ना अच्छी खासी धूप देखने को मिलेगी। चेक करें जी वो नदी बहती हुई, कितना पानी उसमें जा रहा है। और ये है जी पहली बस्ती, नायल इसका नाम है, और नायल से ना बड़े खूबसूरत व्यूज आ रहे हैं। चलें जी, तीसरी एंट्री हो गई है और 2 एंट्री अभी बाकी है। भाई क्या कमाल के व्यूज आ रहे हैं, वाह। दरअसल सुबह मॉर्निंग के ना बड़े खूबसूरत व्यूज है। अरे लगता है लैंडस्लाइड आ गया है, ये वाला रास्ता आगे बंद है, क्या हो गया है इधर। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, नहीं पुल बन रहा है, दैट्स वाई। हम लोग पहुँच गए हैं कंजलवान और 4th एंट्री हो चुकी है, टाइम हो चुका है 8:40। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि नया ब्रिज जो है वो बनने जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी रोड की कटिंग वगैरह जो है वो हो चुकी है। और यहाँ से चेक करें जी ये खूबसूरत वाटरफॉल, और किशनगंगा रिवर में ना आज अच्छा खासा पानी का जो है लेवल है, वाह। यहाँ पे मुझे द्रास की फील आती है। चेक करें जी ये है खूबसूरती हमारे कश्मीर की, और इसको आप स्विट्ज़रलैंड के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि ये अपनी जगह पे अपना मकाम रखता है, स्विट्ज़रलैंड इसके सामने कुछ नहीं है। अभी हम पहुंच गए हैं जी कुछ इस लोकेशन पे जिसका नाम है खोपरी, और वो है जी वहाँ से दावर के व्यूज, और ये यहाँ पे है किशनगंगा का डैम, और यहाँ के व्यूज़ ज़रा चेक करें यार, खूबसूरत, अमेजिंग। और ये हमारी बाइक है यहाँ पे। सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं पहुँचा हूँ अपनी फेवरेट जगह पे, तो यहाँ पे मुझे लगता है मैं 8-10 मिनट जो है स्टे करूँगा, क्योंकि बनता है मेरी फेवरेट जगह है। उसके बाद दावर जाएंगे, वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे और दावर के सीन्स आपके साथ शेयर करेंगे। चेक करें यार ये माउंटेन, इस पे स्नो, और यहाँ से चेक करें व्यूज़ कितने अमेजिंग, खूबसूरत। मतलब जितनी तारीफ़ें की जा सकती है ना कुदरत की, उतनी कम है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग, लाजवाब, माशाल्लाह। और ऊपर से पहला हमारा एक्सपीरियंस ना अपने KTM 390 के साथ, जो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अमेजिंग रहा। और ये है जी फेमस माउंट हब खोतोन, यहाँ से पड़ता है जी खंडियाल टॉप, वो वहाँ पे। तो
अगर आप कभी विजिट करोगे ना यहाँ दावर, तो वहाँ जाना सनसेट के टाइम पे, बहुत खूबसूरत सीन्स आते हैं वहाँ से और बहुत ही अमेजिंग जगह है। टाइम हो चुका है 9:17, अभी किसी जगह जाते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। कहाँ मिलेगा ब्रेकफास्ट हमें वैसे पता है, वो मार्केट अभी बंद है। हाँ, आज संडे है, संडे की वजह से मार्केट बंद होगा भाई। अगर इनका किचन खुला होगा तो यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। हाँ, मुझे लगता है यहाँ का किचन खुला है काका पे। हाँ, इसने रैंप बनाया है, अच्छी बात है। देखो एप्पल के ट्रीज उन्होंने हटा है यहाँ से, दैट्स नॉट गुड। 9:21 हो चुके हैं और अभी हम पहुँच गए हैं काका पैलेस पे। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद जो है देखते हैं कि कहाँ का प्लान बनेगा, वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। सप्तक दे है, अच्छा, वेस्ट बंगाल से हूँ जी जी। मैंने आपका चैनल बहुत दिन ये हमारे सब्सक्राइबर है, छोटे सब्सक्राइबर। चलो ठीक है, तो मिलते हैं, चला मैं आऊँगा आपके साइड कभी ज़रूर। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, चलो जी बाय। ये यहाँ पे ना सब्सक्राइबर हमें मिले। 9:45 हो चुके हैं और अभी जो है हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। हम लगभग 9:15 के आसपास यहाँ पहुँचे हैं, तो अभी जो है हम दूसरी एक लोकेशन पे जा रहे हैं, वो तो आपके साथ जो है हम दूसरे वाले एपिसोड में जो है वो शेयर करेंगे। तो करते हैं ये वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म। आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक दबा दीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं उसी वाले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।